दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए आज की वीडियो में आपको ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ और इस ब्लाउज की ओपनिंग बैक साइड है और जो ये डिजाइन बना रही हूँ मैं सब्सक्राइब के रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ और अभी आपको बताती हूँ कैसे बनाएं। तो देखिए सबसे पहले आपको साइज बता देती हूँ। तो देखिए ये मैंने 11.5 इंच लिया है और ये इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये हमारा ब्लाउज जो है 38 इंच का है, ये हमारा करेक्ट साइज है और जो हमने 2 इंच लिया है ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। और देखिए ब्लाउज लाइनिंग दोनों कट कर लिया है, तो सबसे पहले हम जो डिजाइन कट करेंगे लाइनिंग पे कट करेंगे, ब्लाउज में साइड में रख देते हैं। देखिए मैंने ब्लाउज साइड में रख दिया है, जो लाइनिंग है इस पर डिजाइन हम कट करते हैं। जैसे मैंने बताया इसकी ओपनिंग बैक साइड में ये डबल नेक आएगा, तो देखिए शोल्डर से 4 इंच ले लें और जो हमने फर्स्ट नेक ले रहे हैं ऊपर का 2.5 इंच लेंगे, तैयार में 2 इंच रहेगा। इसके बाद आप जितना डीप रखना चाहते हैं उसकी मार्किंग कर लें। तो देखिए ये मैंने 11.5 इंच लिया है और इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं, लेकिन जो ये ब्रॉड है थोड़ा हमने जो लाइन खींची है इससे बाहर जाएगा। और अभी हम जो ऊपर का नेक है इसकी गोलाई इससे मैं 1 इंच की गोलाई दे दें। देखिए ये तो हमारा फर्स्ट नेक हो गया। अभी हम यहाँ पर जो दूसरा नेक करते हैं उसके लिए पॉइंट देते हैं, तो यहाँ से सोल जो हमने बोट नेक कट किया है वहाँ से अब 2 इंच छोड़ दें और इस तरह से फिर से एक मार्किंग कर लें। तो जो ये 2 इंच है यहाँ पे हमारे हुक रहेंगे 2 और ये पीस में डिजाइन रहेगी और नीचे भी हुक्स आएंगे। अभी हम डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पर हल्का सा ब्रॉड लेते हुए और जो ये नीचे का ये पीस हमारा इसी तरह से स्क्वायर रहेगा नीचे का और यहाँ से इस तरह से गुलाई आएगी, ये पीस हमारा इस तरह से सेपरेट रहेगा, ये ऊपर का नेक कट जाएगा। अभी सेम ड्राफ्ट पर हम कट कर लेते हैं। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ब्लाउज का ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को रख के 1 इंच चौड़ी कैनवास पट्टी कट कर लेते हैं और इसमें हम नेक पट्टी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट कैनवास पट्टी लगा के इसको पलट देंगे। तो देखिए मैंने कैनवास इस तरह से सेट कर दिया है और सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर लेती हूँ। अभी ब्लाउज को हटा देते हैं और देखिए इसकी चौड़ाई जो है हम 1 इंच ले लेते हैं। इसको सेंटर से भी कट कर देते हैं। देखिए अभी हम इसको स्टिचिंग का तरीका बताती हूँ आपको। तो देखिए ब्लाउज को नीचे सीधा रख लें, इसके बाद जो हमारा ये लाइनिंग का है ड्राफ्ट इस ड्राफ्ट को इस तरह से सेट कर देंगे और देखिए जो हमारा ये नेक पट्टी है इस तरह से यहाँ पे या तो आप पिन से सेट कर लें या फिर कच्चा टंका मार के या फिर डायरेक्ट मशीन, इस तरह से यहाँ से लेके पूरा एक ही सिलाई में आपको नीचे तक इसको स्टिच कर देना है। जब ये पूरी फिनिशिंग हो जाएगी फिर हम इस नेक को कट कर देंगे और इसको पलट देंगे। तो देखिए जो जैसे मैंने बताया था इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया, यहाँ तक स्टिच किया है और फिर यहाँ से यहाँ तक किया है। ये लेफ्ट साइड का है तो यहाँ पे हमारी जो हुक लगेंगे उसकी काज बनाने वाली पट्टी लगेगी, हुक हमारे राइट साइड में आएंगे लेफ्ट साइड में पट्टी लगेगी, तो यहाँ पे मैंने अभी सिलाई नहीं डाली है और इसको नेक को कट कर देते हैं। तो देखिए मैंने ये नेक कट कर दिया है, अभी हम इसको पलट देते हैं। अभी हम किनारे पे सिलाई डालते हैं जिससे ये सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये स्टिच कर दिया है और अभी यहाँ पे हुक पट्टी लगा देते हैं, इधर भी लगानी है और ऊपर भी लगानी है। तो देखिए जो नेक का ड्राफ्ट बचा है इसी से हम लगा देते हैं। तो क्या करेंगे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी।
तो देखिए पलट दिया मैंने, और इसको क्या करेंगे इस तरह से फोल्ड करें, और फिर इस तरह से देखिए इसकी फिनिशिंग आ गई। यहाँ पे हम सिलाई डाल देंगे और इसी तरह ऊपर भी लगा दूंगी। तो देखिए हुक पट्टी मैंने लगा दी है, और यहाँ पर भी लगा दी ऊपर, और नीचे जैसे नॉर्मल प्लेट डालते हैं प्लेट भी डाल दी है। और अभी हम लेस लगाते हैं। तो देखिए लेस को हम पूरे नेक से लेके यहाँ से लेके पूरे कमर तक स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये लेस मैंने पूरे में स्टिच कर दिया है। ये मैंने 1.5 इंच का स्क्वायर में क्लॉथ लिया है, और देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और देखिए इस तरह से, तो ये इस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा। और यहाँ पे हम स्टिच डाल देते हैं। देखिए इसी तरह मैंने ये ट्रायंगल तैयार कर लिए हैं, और अभी हम इसको अटैच करते हैं। तो देखिए हमारा जो ये डिजाइन है हम यहाँ पर अटैच करेंगे, देखिए इस तरह से, इस तरह से सेट कर लेते हैं, और जहाँ तक हमारी ये कांच पट्टी है यहाँ तक अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ तक आ रहा है जहाँ तक हमारी एक कांच पट्टी है। तो देखिए जो ट्रायंगल थे वो लगा दिए मैंने दोनों साइड के पीसों में, और देखिए ये स्टोन लिया है जो कि आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं और फैब्रिक ग्लू से चिपका भी सकते हैं। तो देखिए मैं जितने कोने हैं हमारे ये तिकोने, इन पे हम इस तरह से इनको स्टिच कर देंगे। ये स्टिच हो जाएंगे सभी, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो देखिए इस तरह से ये दिखेगा, और जब आप साइड फिटिंग कर देंगे तो इस तरह से लुक आएगा। यहाँ पे आपको दो हुक लगाने हैं, यहाँ पे 3-4 हुक्स लगा सकते हैं, तो ये आपका ब्लाउज का बहुत ही सुंदर लुक आएगा। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर की ब्लाउज की बैक नेटिजन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।